धुएं दीआं इह तस्वीरां लुधियाणा दे आरती चौंक नज़दीक बने सेंट्रल बैंक की ब्रांच दीआं ने, जिथे सवेरे तड़कसार इमारत च अग लग गई, जिस तों बाद हफड़ा तफड़ी का माहौल पैदा हो गया। अग ते काबू पाउण लई फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां नूं मौके ते सद्दिया गया, जिथे अग बुझाऊ अमले वल्लों अग ते काबू पाउंदे बैंक दे शीशे तोड़ के धुएं नूं बाहर कढ़न की कोशिश की गई। इस संबंधी बैंक ब्रांच के मैनेजर का कहना कि सवेरे सफाई कर्मी के फोन तो अग का पता लग गया है, जिस मौके ते अग बुझाऊ अमले नूं बुलाया गया। उन्होंने दस्सिया कि बैंक की रीजनल ब्रांच होने कारण इत्थे पैसे नहीं सन, पर जो कागजात पे सन वो जरूर नुकसाने गए ने। उन्होंने दस्सिया कि अग लगन के कारण का पता तो नहीं लग सकिया, पर फायर ब्रिगेड अधिकारी ही इसकी जानकारी दे सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस है सर। कहाँ पे कैसे आग लगी है कुछ ये अभी कुछ आइडिया नहीं है। सुबह 8:30 बजे हमारे लोग आए हैं सफाई करने वाले, तो उन्होंने फ़ोन किया है कि भाई धुआं बहुत है और हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो इमीडिएटली हमने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया है। उसके बाद से हम लोग बाहर ही सब लोग खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो हमारे को अपडेट दें कि क्या हुआ अंदर, कैसे हुआ। कहाँ पे आग लगी? फर्स्ट फ्लोर पे लगी कहाँ? हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, नीचे कोटक महिंद्रा बैंक है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस है लुधियाना का, तो उसमें लगे हैं। लेकिन अभी तक हमारे को क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है, किस कारण लगी है, वो हम बताने की नहीं कुछ नहीं। जैसा कि फायर ब्रिगेड वालों ने बताया कि हो सकता है मॉर्निंग में लगी है, क्योंकि रात में लगी होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन अंदर जो सिचुएशन बता रहे हैं वो पर्टिकुलर एक एरिया में है जहाँ पे बैटरीज रखी हैं, उससे ज़्यादा कोई अभी तक नुकसान नहीं। नहीं, कैश नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो लुधियाना में जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ कोई कैश वगैरह का कोई लेन देन नहीं, दस्तावेज वगैरह नहीं। अभी कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब तक हमारे को फायर ब्रिगेड वाले अंदर से आके हमको अपडेट नहीं देते हैं, तो हम किसी पोजीशन में नहीं है आपको अपडेट देने। अभी आग पे काबू पा लिया? हाँ, आग पे जैसा कि उन्होंने बताया है कि आग पे काबू पा लिया है और सिर्फ एक छोटे से एरिया में थी, जिसके क्योंकि कम्पैक्ट धुआं निकलने की जगह नहीं थी, इस करके धुआं बहुत है अंदर, तो आपको जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो हम आपको पूरा अपडेट। शीशे तोड़कर आग पर काबू? हाँ जी। उधर इस मौके फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि अग पर काबू पा लिया गया है, पर धुआं ज्यादा होने कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण सारी इमारत को खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा कि शीशे तोड़ के धुआं कढ़ने की कोशिश की जा रही है तो किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा है। तकरीबन थले बैठे ही अगे हूँ बाहर अंदर। भाई पता लगे अंदर हजे तक कि धुआं? नहीं सर, नहीं हजे कुछ नहीं पता लगा जी, धुआं बहुत ज्यादा एकदम वध गया। अंदर जिहड़ा रस्ता जाण दा क्लीयर नहीं दिखाई दे रहा जी, धुआं अंदरों निकलेगा जां तां ही रस्ते दा पता लगेगा जी। हाँ जी, अग ते हैगी आ जी, लेकिन धुआं ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ जी, इंप्लॉय ते ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਈ ਧੂੰਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਤੋਰਾਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੱਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਧੂਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਧੂਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।